खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख इनामिया बदमाश पुलिस की गोली से ढेर हो गया। 2 आरपीएफ जवानों की हत्या मामले में बदमाश फरार चल रहा था। बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। वहीं मुखबिर की सूचना पर यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और साथ ही गाजीपुर पुलिस टीम की कार्रवाई में बदमाश जाहिर ढेर हो गया और जिसके बाद घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे साहब, दिल्ली नगर थानाक्षेत्र में एक इनकाउंटर हुआ है, क्या बीती है? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, उसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था।